हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी ब्लॉगर जैस्मिन। गाइस, आज मैं ढाबा स्टाइल आलू पालक बनाऊंगी। थोड़ी सी ग्रेवी होगी इसमें, और ग्रेवी ना ज़्यादा होगी ना कम होगी, मीडियम होगी जैसे ढाबा पे मिलता है, और बहुत इजी तरीके से बन जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो मैं आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँगी। और इसको बनाने के लिए मैंने आलू वो पालक लिया है, और पालक को मैं अच्छे से वॉश करूँगी 3 से 4 पानी, और कुछ देर के लिए पहले इसको भिगो के रख दूँगी, जो डस्ट है वो निकल जाएगा, और फिर मैं इसे वॉश कर लूँगी काटने से पहले। चार से पाँच के लिए मिनट के लिए मैंने इसको पानी में छोड़ दिया है, और अब मैं इसको वॉश करके निकाल लूँगी। मैंने वॉश करके निकाल लिया है, अब मैं इसको काटूंगी। पहले मैं जो इसका मोटा मोटा साइड है वो निकाल दूंगी, ऊपर वाला, फिर मैं इसको ऐसे पतला पतला सा काट लूंगी। और मैंने आलू लिया है, वो भी मैंने इस साइज़ में काट लिया है, और मैंने इसको वॉश कर लिया है। पालक को भी मैंने काट लिया था, और पालक काट लिया है। और इसमें मैं ऐड करूंगी 2 बैंगन हैं, धनिया है हरी, और 2 टमाटर है। और प्याज है, लहसुन है, अदरक है, इन सबको भी मैं चॉप्ड कर लूंगी। टमाटर को भी मैंने काट लिया है। पहले मैं इसको बॉईल करूंगी पालक को और आलू को, तो फिर इसलिए मैंने इसको प्रेशर कुकर में बॉईल करूंगी। अब मैंने 2 बैंगन लिया था, वो मैं काट रही हूँ। बैगन थोड़ा सा ख़राब था, तो जो ख़राब है वो मैं निकाल दूँगी। मैंने बैगन को भी काट लिया है, और नमक भी साथ में ऐड कर दूंगी बॉईल करने से पहले इसमें। और अब मैं इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। और इसको मैं ढक्कन लगा दूंगी, और 2 से 3 सीटी तक इसको बॉईल करूंगी, 3 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पे। दो से तीन सीटी हो गई है, तो अब पालक और आलू अच्छे से बॉईल हो गया है। अब मैं इसे बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल ऐड कर दिया है।
ऑयल गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। मैंने इसमें मेथी दाने का तड़का लगाया छोटे चम्मच से, एक चम्मच मेथी दाना है और लहसुन प्याज और अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया था। इन सबको लाइट ब्राउन ही करना है। मैंने मसाला ऐड किया है, मिक्स मसाला है तो इसमें ज़्यादा मसाला नहीं लगता, इसलिए मैंने छोटे चम्मच से एक चम्मच मसाला था और हल्दी पाउडर है और थोड़ा सा मैंने नमक ऐड कर दिया। पालक को उबालते हुए भी मैंने नमक ऐड किया था तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें नमक नहीं ऐड कर रही हूँ। अब मसाला मैंने एक मिनट तक भून लिया है तो मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर को सॉफ्ट करना है। टमाटर सॉफ्ट हो गया है और जो हल्का फुल्का रह गया वो सब्ज़ी के साथ हो जाएगा, तो मैंने ऐड कर दिया इसमें आलू पालक बैंगन जो बॉईल किया था। इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। उबले हुए हैं तो इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही छोड़ दूंगी। और गाइज़ मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया था तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई इसलिए मैं आपको बता नहीं पाई, तो मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया था। गाइज ढाबा स्टाइल आलू पालक बनकर तैयार हो गई है। गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।